हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZW पैथ लैब। आज का ये वीडियो किसी टॉपिक या लेक्चर पे नहीं है, ये वीडियो आधारित है महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश के बारे में। बस्ती जनपद में ये कॉलेज दोस्तों 2019 में बनाया गया है। हम लोगों ने सोचा इस कॉलेज को देखते हैं और जाके देखते हैं इसकी फैसिलिटी क्या है। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, कैफेटेरिया बनाया गया है, लाइब्रेरी अच्छी अच्छी है, लैब है इसमें, तो सभी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ बस्ती जनपद में मिल रहा है इस मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये 2019 में रामपुर एक गांव है बस्ती ज़िले में, वहाँ पर स्थित है ये कॉलेज। अगर हम बेड्स की बात करें तो 500 बेड्स के साथ बनाया जा रहा है। MBBS के लिए इसमें 100 सीट है, जो कि नीट के थ्रू सिलेक्शन होता है। हमने दोस्तों जाके वहाँ ये भी पता किया कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो हमें पता चला है कि अभी तक पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। नर्सिंग या फिर जो भी हम LT रेडियोलॉजी की बात करें तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। वहाँ के अधिकारियों ने ये कहा है कि हो सकता है जल्द ही पैरामेडिकल कोर्सेज भी इसमें आरम्भ किए जाएँ, और जैसे ही कुछ भी होता है वो अपने वेबसाइट पर जो है उसको वो नोटिफिकेशन देंगे। दोस्तों साथ ही साथ कैंपस की अगर हम बात करें तो 17 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल इंक्लूडेड है, और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, आप खुद देख सकते हैं। नर्स हॉस्टल देखिए वहाँ बना दिया गया है और बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत बनाई गई। हाँ, साथ ही साथ जो यहाँ की पढ़ाई है वो भी काफ़ी बढ़िया है, और ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ पर अवेलेबल है। CT स्कैन, एक्सरे, ICU, ICCU, PICU और 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, ये सभी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं ASMC बस्ती मेडिकल कॉलेज में। बॉयज हॉस्टल है जो बनाया गया है, वो काफ़ी बॉयज हॉस्टल है, आप कैमरे में देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग यहीं पर मौजूद हैं और ये काफ़ी बड़ा जो है बस्ती ज़िले में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, तो इसीलिए इस पर ब्लॉगिंग बनाना बहुत ही जो है आवश्यकता थी कि लोगों को बताया जाए। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं, फ्रेंड्स लगातार मैं आपको कैंपस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने दोस्त के साथ, ताकि पूरी तरह से आप लोग देख लीजिए, बड़ी खूबसूरती से बनाया जा रहा है। अभी इसका काम चल भी रहा है, लेकिन जो हम लोग बुनियादी बात करें तो पढ़ाई चालू है MBBS की, लेकिन पैरामेडिकल के लिए और अभी जो बाकी डेकोरेशन का काम है वो अभी यहाँ निरंतर चल ही रहा है। और ये आप लोग देख रहे हैं, जो ये जो है बॉयज हॉस्टल बनाया गया है, ये मेरे पीछे है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है था, और बात करें अगर हम लोग तो यहाँ बास्केटबॉल के लिए भी बनाया गया है, प्लेग्राउंड के लिए।